एमएस धोनी के बाद कौन बनेगा चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान? ये है तीन सबसे मजबूत दावेदार। नमस्कार दोस्तों, जब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान से पूछा था कि क्या वह आखिरी मैच है, तो एमएस धोनी ने पिछले साल डेफिनेटली नॉट वाला पल दिया था, मगर इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि धोनी अपने आइकॉनिक करियर के अंतिम पड़ाव पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक धोनी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में ट्रॉफी जीती है। आईसीसी के सभी प्रमुख खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में भी खूब सफलता हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स की धड़कन रहने वाले धोनी ने फ्रेंचाइजी को आईपीएल इतिहास में सबसे सफल में से एक बनाया है। धोनी के नेतृत्व में सीएसके ने 3 आईपीएल खिताब जीते। चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट इतिहास की एकमात्र टीम है जिसने 2 बार चैंपियन लीग T20 खिताब जीते। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब एमएस धोनी कप्तानी पद से हटेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी हासिल करने के लिए 3 सबसे मजबूत दावेदार कौन है। नंबर 1, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा कई वर्षों से चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख सदस्य रहे हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक जडेजा चिपक पर काफी शानदार साबित होते आए हैं। सीएसके को जरूरत के समय विकेट दिलाने और अंतिम ओवरों में जोरदार प्रहार करने की क्षमता के धनी जडेजा ने आईपीएल करियर में सीएसके के लिए ट्रंप कार्ड की भूमिका निभाई है। येलो ब्रिगेड के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले जडेजा अभी 32 साल के हैं और अनुभवी ऑलराउंडर धोनी के बाद सीएसके के अगले कप्तान बन सकते हैं। नंबर 2, स्टीव स्मिथ। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने और आवेश खान का सही समय पर फॉर्म में आने से हेड कोच रिकी पोंटिंग ने फायदा उठाया और दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में स्टीव स्मिथ को शामिल करवाया। पूर्व राजस्थान रॉयल्स के कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में प्रभाव नहीं जमा सके। एक बार अय्यर की वापसी होगी तो स्मिथ को प्लेइंग 11 में जगह ढूंढना मुश्किल पड़ सकता है। स्मिथ की जगह और चयन दिल्ली कैपिटल्स में पक्की नहीं, लेकिन यह सब बदल सकता है अगर सीएसके उन्हें आने वाले सालों के लिए अपने साथ जोड़े। नंबर 3, डेविड वार्नर। कई सालों से क्रिकेट पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि केन विलियमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में लाना चाहिए ताकि वह धोनी के बाद कमान संभाल सके। हालांकि विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद शायद ही रिलीज करे क्योंकि वह उनके लिए बतौर कप्तान और बल्लेबाज अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में विलियमसन ने आगे आकर एसआरएच का नेतृत्व किया और उसे आईपीएल 2018 के फाइनल में पहुंचाया था। वैसे भी इस साल डेविड वार्नर का एसआरएच प्रबंधन के साथ विवाद हुआ है, तो अब वह धोनी के विकल्प के रूप में मजबूत दावेदार बन गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।